गेट आउट कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है, इसीलिए वो अपना रास्ता बदल लेता है। लेकिन कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उस कार की हेल्प से उसे अपने साथ ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम क्रिस नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके पास उसकी गर्लफ्रेंड रोज पहुँचती है, जो चाहती थी कि क्रिस उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके टाउन चले। हालांकि क्रिस इस बात से डर रहा होता है कि कहीं रोज के पेरेंट्स को उसके रंग से प्रॉब्लम ना हो, लेकिन रोज उसे समझाती है कि मेरे डैड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो रास्ते में क्रिस अपने दोस्त रोड को कॉल करता है, जो कि एक टीएसी ऑफिसर होता है। इस दौरान क्रिस रोड से अपने डॉग का ख्याल रखने के लिए कहता है। उसी समय उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक हिरन आ जाता है, इससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हिरन वहीं पर मारा जाता है। हालांकि इस दौरान क्रिस और रोज दोनों ही सही सलामत बच जाते हैं। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो रोज के ड्राइव करने पर भी रंग की वजह से क्रिस की आईडी मांगता है कि कहीं वो तो ड्राइव नहीं कर रहा। हालांकि इस दौरान रोज क्रिस को आईडी देने से मना करती है, लेकिन ऑफिसर के फोर्स करने पर क्रिस अपनी आईडी उसे दिखा देता है। फिर जब वो दोनों रोज के पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं तो वो उनका बहुत ही खुशी से स्वागत करते हैं, जिसके बाद रोज के डैड डीन, जो कि एक न्यूरोसर्जन है, वो क्रिस को घर दिखाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि रोज का भाई जर्मी भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है ताकि वो डीन की तरह ही बन सके। और रोज की मॉम मिसी एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। अब दोस्तों, एक हिप्नोथेरेपिस्ट क्या होता है और वो लोगों की जिंदगियों को कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में ब्रायन बेस की बुक मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स में काफी अच्छे से बताया गया है। कहानी डॉक्टर ब्रायन और उनकी एक डिप्रेस्ड एंजियस पेशेंट कैथरीन के बारे में है और कैसे वो उसकी मदद करते हैं, इसी की बुक समरी में बताया गया है, जो आपको कुकू एफएम पर सुनने को मिल जाएगी। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो सोर्स प्लेटफॉर्म है, विद ओवर 4.5 प्लस रेटिंग एंड 4000 प्लस ऑडियो सोर्स लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट। सबसे जरूरी, आप यहां पर अपनी रीजनल लैंग्वेज में ऑडियो समरी सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। कुकू एफएम पर आपको हिस्ट्री, मोटिवेशन, फाइनेंस और बहुत सी कैटेगरी में ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। मैं भी ऑडियो बुक्स ही सुनना पसंद करता हूं। जब भी वक्त मिलता है मैं कोई भी एक ऑडियो बुक सुन लेता हूं। कुकू एफएम की मदद से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की ईयरली कॉस्ट 399 रुपए पर ईयर है, पर आप मेरे कूपन कोड सुनो 50 को यूज करके इसकी कॉस्ट आधी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ 23 मई से 31 मई तक ही वैलिड है, तो जाओ और अभी कूपन कोड को यूज करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। खैर, इस दौरान क्रिस नोटिस करता है कि डीन के घर में काम करने वाले दोनों सर्वेंट ब्लैक हैं, लेकिन डीन उसे बताता है कि वो दोनों उसके पेरेंट्स के टाइम से इस घर में काम कर रहे हैं और वो इतने अच्छे लोगों को नहीं खोना चाहता। फिर जब रोज के पेरेंट्स क्रिस से उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि उसके डैड पहले ही उन्हें छोड़ चुके थे और जब वो 11 साल का था, तभी उसकी मॉम हिट एंड रन केस में मारी गई थी। इस दौरान डीन क्रिस की स्मोक करने की बेचैनी को नोटिस कर लेता है और इस बारे में उससे पूछता है। इस पर वो उससे कहता है कि मैं इसे छोड़ने वाला हूँ। इस पर डीन उसे बताता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी वाइफ की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें हिप्नोटाइज करके हमेशा के लिए इसे छुटकारा दिला सकती है। लेकिन क्रिस इस चीज के लिए मना कर देता है। इसके बाद रोज के पेरेंट्स बताते हैं कि इसी वीकेंड हमारी फैमिली की फेमस पार्टी होने वाली है, जिसमें हमारे सभी दोस्त आने वाले हैं। तभी वहाँ पर रोज का भाई जर्मी भी आ जाता है। फिर जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो जर्मी क्रिस को खुद से लड़ने के लिए फोर्स करता है, लेकिन मिसी इस चीज के लिए उसे मना कर देती है। हालांकि क्रिस रोज की फैमिली के इस बिहेवियर से काफी बुरा फील कर रहा था, इससे रोज उसे सॉरी बोलती है, लेकिन वो उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर रात में नींद न आने पर क्रिस स्मोक करने के लिए बाहर जाता है, तभी उसे ग्राउंड कीपर वॉल्टर दिखाई देता है जो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। इससे क्रिस काफी डर जाता है, लेकिन वॉल्टर उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना वहां से मुड़ लेता है। तभी क्रिस की नजर विंडो पर खड़ी हाउस कीपर जॉर्जिया पर पड़ती है, जो काफी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। ये सारी चीजें क्रिस को काफी अजीब लग रही थी, इसीलिए वो वापस घर के अंदर जाने लगता है। तभी उसे मिसी देख लेती है और समझ जाती है कि वो स्मोक करने के लिए ही गया था, इसीलिए मिसी उसे अपने पास बुलाती है और हिप्नोटाइज करके उसकी माँ के बारे में पूछती है कि जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ था तो तुमने क्या किया। इस पर वो कहता है कि उस समय मैं सिर्फ 11 साल का था, इसीलिए उनके घर न आने पर मैं सिर्फ टीवी देखता रहा। इस पर मिसी कहती है कि तुम्हारी माँ के मरने के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो, क्योंकि अगर शायद तुम किसी को कॉल करते तो वो बच जाती, इसीलिए अब तुम वैसे ही सब कुछ देखते हुए कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे तुमने उस दिन नहीं किया। इतना कहते ही क्रिस अंधेरी दुनिया में चला जाता है, या कहें तो अंधेरे में डूबने लगता है, और उसे असली दुनिया सिर्फ एक विंडो की तरह दिखाई देती है।
जहाँ पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। फिर क्रिस की आँख खुलती है तो वो खुद को बेडरूम में पाता है। इस दौरान वो देखता है कि किसी ने उसका फोन चार्जिंग से निकाल दिया है, इसीलिए वो उसे फिर से चार्जिंग पर लगा देता है। और क्योंकि क्रिस एक फोटोग्राफर था, इसीलिए वो फोटोज लेते हुए ग्राउंड कीपर वॉल्टर के पास पहुंचता है। इस पर वॉल्टर उसे पिछली रात डराने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा था। साथ ही वो क्रिस से रोज के बारे में भी बात करता है, जो क्रिस को कुछ अजीब लगती है। इस दौरान जब वॉल्टर उससे ये पूछता है कि तुम काफी देर तक मिसी के पास थे, क्या उन्होंने तुम्हारी स्मोकिंग छुड़वा दी? इस बात पर क्रिस समझ जाता है कि कल रात उसने जो कुछ भी देखा वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब डीन के घर में पार्टी स्टार्ट होती है तो रोज क्रिस को सभी लोगों से मिलवाती है जो क्रिस की बॉडी और कलर को लेकर काफी अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। तभी क्रिस को वही आदमी दिखाई देता है जिसे मूवी की शुरुआत में किडनैप कर लिया था। फिर जब क्रिस उसका चेहरा देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वो उसे पहले से जानता है। इसके बाद वो आदमी बताता है कि मेरा नाम लोगन है, लेकिन इसके बावजूद क्रिस को याद नहीं आ रहा होता कि उसने लोगन को कहाँ देखा है। इसके बाद क्रिस जिम नाम के एक आदमी से मिलता है जो क्रिस को पहले से ही जानता था और उसे क्रिस की फोटोग्राफी में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन वो पूरी तरह से अंधा था। इस दौरान जिम उसे बताता है कि मुझे जेनेटिक डिसीज होने की वजह से मैं अंधा हो गया और अपनी लाइफ में कभी भी फोटोग्राफी की दुनिया में सक्सेस नहीं हो सका। फिर क्रिस रोज के रूम में पहुंचता है और देखता है कि किसी ने फिर से उसका फोन चार्जिंग से निकाल दिया था। और जब वो रूम में जॉर्जिया को काम करते हुए देखता है तो उसे शक हो जाता है कि जॉर्जिया ने ही उसका फोन निकाला होगा। हालांकि वो ये बात रोज को भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन रोज कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए वो फोन चार्जिंग में लगाकर अपने दोस्त रोड को कॉल करता है और उसे वहाँ हो रही सारी चीजों के बारे में बताता है। इस पर रोड उससे कहता है कि हो सकता है कि मिसी, यानी कि वो हिप्नोथेरेपिस्ट, सभी काले लोगों को हिप्नोटाइज करती हो जिससे वो उन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। ये सुनकर क्रिस काफी घबरा जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर जॉर्जिया भी पहुँच जाती है, जो क्रिस से उसका फोन निकालने के लिए सॉरी बोलती है। इस पर क्रिस उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बस कभी कभी गोरे लोगों के बीच में काफी डर जाता हूँ। ये सुनकर जॉर्जिया की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वो कहती है कि मुझे यहाँ पर रहते हुए काफी वक्त हो गया पर मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। फिर जब क्रिस बाहर पहुंचता है तो वहाँ मौजूद एक आदमी उससे पूछता है कि अफ्रीकन अमेरिकन होने का फायदा है या नुकसान है। इस पर वो लोगन से इस बारे में बताने के लिए कहता है, और जब लोगन इस बात का जवाब दे रहा होता है तभी क्रिस चुपके से अपने फोन से उसकी फोटो खींचने की कोशिश करता है, इससे उसके फोन का फ्लैश जल जाता है। उसी दौरान लोगन की नाक से ब्लड निकलने लगता है और वो क्रिस पर बुरी तरह से चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना बहुत ही बुरी तरह से मारे जाओगे। यह सुनकर क्रिस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर सब लोग क्रिस को ये विश्वास दिला देते हैं कि लोगन के दौरा पड़ने की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। फिर लोगन ठीक होने के बाद क्रिस के साथ साथ बाकी सभी लोगों से माफी मांगता है। इसके बाद रोज क्रिस को परेशान देखकर पार्टी से बाहर लेकर चली जाती है, जहां पर क्रिस रोज से कहता है कि लोगन को किसी तरह का दौरा नहीं पड़ा था बल्कि ये उसे मेंटल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। लेकिन रोज इस बात को नहीं मानती और कहती है कि मेरे डैड एक न्यूरो सर्जन है, इसीलिए वो इस बारे में अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्रिस उसे बताता है कि मुझे लगता है कि लोगन को तुम्हारी मॉम ने हिप्नोटाइज किया है, उन्होंने मुझे भी हिप्नोटाइज किया था जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इस पर रोज कहती है कि क्या तुम मेरे बिना ही यहाँ से जाना चाहते हो? इस पर क्रिस कहता है कि ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो या नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज के डैड डीन क्रिस की बोली लगा रहे होते हैं और क्रिस को वहां मौजूद जिम खरीद लेता है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि डीन की फैमिली काले लोगों को हिप्नोटाइज करके उन्हें बेचती है। फिर हम क्रिस को देखते हैं जो रोज से कहता है कि मेरी मॉम एक्सीडेंट होने के बाद भी बच गई थी और पूरी रात सड़क पर ही तड़पती रही, अगर मैं एक फोन कर देता तो वो बच जाती, लेकिन वो मेरी वजह से मारी गई। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, और क्योंकि अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर रोज काफी खुश हो जाती है। फिर जब वो दोनों वापस घर लौटते हैं तो सभी लोग वापस अपने घर चले गए होते हैं। इस दौरान रोज की फैमिली क्रिस को काफी अजीब तरह से देख रही थी। फिर क्रिस लोगन की खींची हुई फोटो अपने दोस्त रोड को भेजता है, इसे देखकर रोड उसे कॉल करके बताता है कि वो लोगन नहीं बल्कि एंड्री है, जो कि उनकी कॉलेज की क्लासमेट वेरोनिका का बॉयफ्रेंड था। जब ये चीज क्रिस को याद आती है तो क्रिस उसे बताता है कि एंड्री ने मुझे अपना नाम लोगन बताया और काफी अजीब बिहेव कर रहा था, साथ ही वो पार्टी में खुद से 23 साल बड़ी औरत के साथ आया था और खुद भी काफी उम्र दराज लग रहा था।
यह सुनकर रोड क्रिस से कहता है कि मुझे तुरंत ही वहाँ से निकलना होगा। तभी रोड के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। फिर जब क्रिस के पास रोज पहुंचती है तो वो उसे तुरंत ही वहाँ से निकलने के लिए कहता है। साथ ही ये भी कहता है कि मैं तुम्हें सारी बातें रास्ते में बता दूंगा। ये सुनकर रोज अपना बैग लेने के लिए चली जाती है। तभी क्रिस वहाँ पर बने हुए क्लोजेट को चेक करता है। उसे बहुत सारी फोटोज मिलती हैं। इसमें रोज कई अलग अलग काले लड़कों के साथ थी। तभी अचानक से वहाँ पर रोज आ जाती है। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर जब वो दोनों बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो रोज उसे बताती है कि मुझे गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। उसी समय रोज की फैमिली क्रिस को चारों तरफ से घेर लेती है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चाबी के लिए रोज के ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि चाबी रोज के पास होने के बावजूद भी वो उसे चाबी देने से मना कर देती है। इसके बाद मिसी कप और चम्मच की हेल्प से क्रिस को हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देती है, क्योंकि वो उसे पहले भी एक बार हिप्नोटाइज कर चुकी थी। यहाँ पर यह भी बात क्लियर हो जाती है कि रोज भी अपनी फैमिली के साथ इन चीजों में शामिल है। इस दौरान क्रिस पहले की तरह ही फिर से अंधेरी दुनिया में कैद हो चुका था। अगले सीन में हम रॉड को देखते हैं जो कई बार क्रिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब क्रिस का फोन नहीं लगता तो वो ऑनलाइन एंड्री के बारे में सर्च करता है। इससे उसे पता चलता है कि एंड्री बहुत समय से गायब है और अब तक उसका कुछ भी पता नहीं लगा है। दूसरी तरफ क्रिस को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। तभी उसके सामने रखी हुई टीवी में एक वीडियो प्ले होता है, जिसमें डीन का डैड बताता है कि तुम्हें खुद को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए तुम्हें सिर्फ रूम में मौजूद हिरन की आंखों में ध्यान देना चाहिए। फिर जैसे ही क्रिस हिरन की आंखों में देखता है, टीवी में वापस से कप और चम्मच की आवाज आती है, जिससे क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है। इधर रॉड डिटेक्टिव को सारी बातें बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि उसे पुलिस से कोई भी मदद नहीं मिलने वाली। इसीलिए वो घर आकर वापस से क्रिस के फोन पर कॉल करता है और फोन रोज उठाती है। लेकिन जब रॉड उससे क्रिस के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो तो दो दिन पहले ही मुझसे लड़ाई करके यहाँ से निकल चुका है, लेकिन वो अपना फोन यहीं पर भूल गया। फिर जब रॉड ये बात रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है तो रोज उससे कहती है कि तुमने फोन शायद इसीलिए किया है क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर रॉड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपना फोन काट देता है। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं, जिसमें जिम टीवी की हेल्प से बताता है कि क्रिस का ऑपरेशन होने वाला है। इसमें उसके दिमाग का छोटा सा पार्ट जिम के दिमाग के पार्ट के साथ चेंज कर दिया जाएगा। इससे क्रिस हमेशा के लिए अंधेरी दुनिया में चला जाएगा और उसकी बॉडी का पूरा कंट्रोल जिम के हाथों में हो जाएगा। ये जानकर क्रिस उससे पूछता है कि ये सब हम काले लोगों के साथ ही क्यों किया जा रहा है। इस पर वो कहता है, हो सकता है तुम काले लोगों की बॉडी मजबूत होती है। यह सुनकर क्रिस पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद दोबारा से क्रिस को कप और चम्मच की हेल्प से बेहोश कर दिया जाता है। फिर हम डीन को देखते हैं जो जिम का ऑपरेशन कर रहा होता है। इसीलिए जर्मी क्रिस को लेने के लिए पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलता है, क्रिस वहां पर रखी एक बॉल से अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर क्रिस अपने कान में लगी हुई कॉटन को निकाल देता है, इसे उसने सोफे से निकाला था और इसी वजह से लास्ट टाइम वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ था। फिर वो रूम में मौजूद हिरन की बॉडी को लेकर डीन के पास पहुंचता है और उसके कुछ समझने से पहले ही उस पर अटैक कर देता है, जिससे डीन बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। फिर क्रिस मिली के पास पहुंचता है और टेबल पर रखी हुई कप और चम्मच को जमीन पर गिरा देता है, जिससे मिसी उसे हिप्नोटाइज ना कर सके। हालांकि मिसी एक चाकू से उसके हाथों पर अटैक कर देती है, लेकिन क्रिस उसे उसी के चाकू से बहुत बेरहमी से मार देता है। फिर जब वो वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उस पर जर्मी अटैक कर देता है, जो कि अभी भी जिंदा था। फिर क्रिस दरवाजे का हैंडल निकाल कर उसके पैर पर हमला कर देता है, इससे वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद क्रिस उसके फेस पर लगातार अपने पैरों से अटैक करके उसे भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है और उसके पास मौजूद गाड़ी की चाबी ले लेता है। लेकिन जब वो गाड़ी से वहां से निकलने की कोशिश करता है, तभी उसकी गाड़ी के आगे जॉर्जिया आ जाती है, इससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए क्रिस अपनी मॉम को याद करके जॉर्जिया को गाड़ी में बिठा लेता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जॉर्जिया की बॉडी पर रोज की ग्रैंड मदर का कंट्रोल था, यानी कि जॉर्जिया की काफी पहले ही सर्जरी हो चुकी है, जिस दौरान रोज की ग्रैंड मदर को जॉर्जिया के माइंड में ट्रांसप्लांट किया गया था। इसीलिए होश आते ही वो पूरी तरह से बौखला जाती है।